डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपनी इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। हेट स्पीच पर लगातार नियंत्रण की कोशिशों के बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस व जिला प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। इस पोस्टर में 10 जून को जुमा भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसमें लिखा है, बतला दो गुस्ताखे नबी को, कहरते मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। इसके नीचे लिखा है, पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी के खिलाफ 10 जून जुम्मा भारत बंद। यूपी के अति संवेदनशील जिलों पर इसे देखते हुए कड़ी नजर रखी जा रही है। मेरठ में पुलिस और प्रशासन का प्रयास है कि जुम्मा पर ऐसा कुछ न हो जिसके चलते शांति व्यवस्था को खतरा पहुंचे। ड्रोन से भी बराबर नजर रखी जा रही है। हालांकि कोई भी मुस्लिम संगठन इस पोस्टर को गंभीरता से नहीं ले रहा है। आज मेरठ कोतवाली क्षेत्र अधिकारी अरविंद चौरसिया ने यह जानकारी दी। देखिए, सोशल मीडिया पे इस तरह का वायरल जो हो रहा है मैसेज, वो हमें भी संज्ञान में आया है, लेकिन उस मैसेज से हम लोग का कोई लेना देना नहीं, ना यहाँ के लोकल क्षेत्रवासियों का लेना देना है। और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, हमारे यहाँ अमन चैन है। सभी लोग, मीटिंग कर लिया गया है सभी धर्मगुरुओं का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, उनके निर्देश पर हम लोग वैसे भी अलर्ट पे हैं, फील्ड में हैं, और ड्रोन से निगरानी भी कर रहे हैं चारों तरफ। जो अराजक तत्व हैं उनसे निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है, और हर जगह अलर्टनेस है, कहीं किसी तरह की कोई समस्या की बात नहीं है। सभी धर्मगुरुओं से बात भी हो गई है, इस तरह के मैसेज का कोई मतलब नहीं है। संवेदनशील इलाके चिन्हित किए गए हैं, और वहाँ पर जो मिश्रित आबादी है, वहाँ पे लोकल जो पुलिस मित्र हैं वो भी पुलिस के साथ ड्यूटी पर रहेंगे, किसी तरह की कोई ऐसी बात आनी नहीं है। जैसे पहले होता था वैसे इस बार है, कोई विशेष उसमें सुरक्षा का हम लोग वो नहीं किए हैं। हाँ, लोकल लोगों से पूरी तरह से टच में हैं, किसी तरह की कोई बात, कोई अराजक तत्व अगर हमारे बीच में आके कुछ खुराफात करने का प्रयास करेगा, उसको तत्काल लोकल लोगों के माध्यम से चिन्हित किया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो लोग इस तरह की मैसेज सेंड किए जा रहे हैं उनके लिए एक अलग से टीम और मीडिया सेल लगी हुई है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। हम लोग क्षेत्र में हैं, पब्लिक के बीच में हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट अमित भट्ट का यह कहना है, जैसे हर हफ्ते जो है जुमे की नमाज होती है, और इस बार सभी धर्मगुरुओं से मीटिंग कराई गई है उच्चाधिकारियों द्वारा, और उनके निर्देशों का अनुपालन कराया जा रहा है। हर छोटी से छोटी चीज़ों का संज्ञान लिया जा रहा है, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार का जनता में यह मैसेज स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है, किसी प्रकार की अफवाहों में ना रहें। अफवाह फैलाने वालों पर भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जो है पब्लिक ऑर्डर गड़बड़ करता है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा हमारे यहाँ दिखाई नहीं देता है। आप देख रहे हैं सभी मार्केट खुली हुई है, सभी लोग जो है जनता के लोग भी प्रतिभाग कर रहे हैं, हम साथ में फुट मार्च भी कर रहे हैं, और ऐसी कोई चीज़ें यहाँ पर नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।